GHQ के गेट नंबर 4 का चौकीदार कहलवाने पर फख्र महसूस करने वाले तांगा पार्टी के सरबराह शेख रशीद अहमद ने भी अपने कप्तान इमरान खान से मुतासिर होते हुए फौजी इस्टेब्लिशमेंट की साख पर सवालात खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। साबिक वजीर दाखला शेख रशीद ने फौज पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क के हालात इतने परेशान कुन हो गए हैं कि जिन इदारों का एहतराम पूरी कौम पर लाजिम है वो भी अब सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के हालात तशवीशनाक, परेशान कुन और गंभीर होते जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमती अहदेदारों पर तनकीद की और कहा कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए इन्हें आला अहदों पर तैनात किया जा रहा है। उनका कहना था कि सबसे परेशान कुन बात यह है कि जिन इदारों का एहतराम पूरी मुल्क और कौम पर लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। साबिक वजीर दाखला ने कहा कि साम्राज के एजेंटों ने अपने मफाद के लिए गंदी नाली के कीड़ों को ताजमहल में बिठा दिया। याद रहे कि इससे पहले अपनी तकरीर में साबिक वजीर आजम इमरान खान भी बिलवास्ता और बिलावास्ता फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम की बारिश कर चुके हैं और इसकी साख पर सवाल उठा रहे हैं। इमरान ये भी कह चुके हैं कि जिन लोगों ने मुझे इख्तदार से निकालने की गलती की वो इसे दुरुस्त करें और फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवाएँ। अब अपने कप्तान की पैरवी करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कौम मेरी बात याद रखे, इमरान खान की इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की काल देना दुनिया को हैरान कर देगी और ऐसा जन्नाटे का रन पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत की उम्र पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम साबित होगी। इससे कबल 13 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर दाखला ने कहा था कि इमरान खान की इस्लामाबाद की काल से इनकी जान को भी खतरा लाहक हो जाएगा और इन्हें जेल में भी डाला जा सकता है, लेकिन उनका कहना था कि इमरान खान को जेलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख चिल्ली कहलाने वाले गेट नंबर 4 के चौकीदार ने कहा कि फौज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगना चाहिए, गालियां देने वाले फौज के साथ सुलह कर सकते हैं तो हमें भी अपनी फौजी क़यादत के साथ पैदा होने वाली गलत फहमियाँ दूर करनी चाहिए। उनका कहना था कि जिन्होंने लंदन और गुजरांवाला से फौज को गालियां दी, अगर वो अपने मतलब के लिए फौजी जूते पारिश कर सकते हैं और शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम बन सकता है तो हमें भी गलत फहमियाँ दूर करके फौज के साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोग नया इलेक्शन चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि इनका दौरे हुकूमत लंबा हो। पहले ये कहते थे ये सिलेक्टेड हुकूमत है इसलिए फौरी इलेक्शन कराओ, अब हम कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है इलेक्शन कराओ। लेकिन शहबाज शरीफ और इनकी इत्तेहादी जमातें नए इलेक्शन से राह फरार हासिल कर रही हैं। याद रहे कि शेख रशीद पिछली कई दहाइयों से खुद को फौज का तर्जुमान करार देते रहे हैं। मौसूफ पाकिस्तानियों को GHQ के मुख्तलिफ गेट नंबर्स बताकर साबित करते रहे कि कौम के पास अपनी बात गेट के अंदर तक पहुँचाने का सबसे मौसर जरिया वही हैं। लेकिन फर्जंद पाकिस्तान को पाकिस्तान से इतना डर लगता है कि जिस दिन नवाज शरीफ हुकूमत ने एटमी धमाके करना थे इसी दिन वो दुबई भाग गए। अपने फरार की तोजी पेश करते हुए उन्होंने TV पर कहा था कि उनको डर था कि अगर हमारा कोई पटाखा इधर से उधर हो गया तो हम सब ही ना मारे जाएं, लिहाजा वो दुबई की फ्लाइट बुक करवा कर मुल्क से फरार हो गए थे। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।